हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ ये क्विक रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी है पालक और चिकन की, तो जो कि बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। तो गाइस, यहाँ पर हमने पालक जो है वो आधा केजी लिया है, जिसको मैंने 250 ग्राम जो है उसको मिक्सर में पेस्ट बना लिया है, और आधा जो है वो चॉप करके इसमें डाल दिया है। और ये है हमारे पास प्याज, तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इसमें थोड़ी हमने प्याज पहले ब्राउन की थी, उसके बाद इसका पेस्ट बनाया है। और ये टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट हमें बना लेना है। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं और ये है 1 ऑनियन। तो जी, ये देखिए, ऑयल जो है वो हमारा हो चुका है। अब हम इसमें ये खड़े मसाले जो हैं थोड़े से वो ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमें ये पेस्ट जो है वो हमें इसमें डाल देना है। ये देखिए गाइस, प्याज जो है वो हो चुकी है, क्योंकि ये मैंने थोड़ी कम ही ब्राउन की थी। तो अब इसको हमें थोड़ा सा और पकाना है, और ये हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की ये प्यूरे, तो हमने प्यूरी जो है वो भी इसमें ऐड कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा सॉल्ट, तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और ये जो है मैंने सौंफ धनिया है, तो हम इसमें सौंफ धनिया 1/2 टेबलस्पून पाउडर ऐड करेंगे, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। और इसके बाद मसाला जो है वो अच्छे से भून लेंगे, ताकि हल्दी की स्मेल जो है वो इसमें से चली जाए। साथ ही में हम इसमें डाल लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। तो गाइज, हमारा मसाला जो है वो हो चुका है। अब हम इसमें डाल लेंगे, ये हमने चिकन जो है फ्राई किया हुआ मेरे पास था, तो मैंने इसको कट कर लिया है थोड़े छोटे छोटे पीसेस में, और यही हम इसमें ऐड करेंगे। और मसाला जो है वो अच्छे से कोट हो जाए इसमें, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो गाइज, अब जो है ये मसाला हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ये पालक ऐड कर देंगे, अब हम इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको पका लेंगे 15 मिनट के लिए। इसको कवर करने से पहले गाइस, ये हम थोड़ा सा चावल का आटा जो है वो इसमें डाल देंगे, और उसके बाद इसको चला करके कवर कर देंगे अच्छे से। अब हम इसको 15 मिनट के लिए पका लेंगे। तो गाइस, हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए, चिकन पालक जो है वो बनके रेडी हो चुका है, और इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसको ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।